रजवाड़ से बड़ी खबर आपको बता दें कि एसडीएम समेत अधिकारियों ने किया बंदरबाट, किसानों की 75 बीघा जमीन का किया बंदरबाट। शासन स्तर से अधिकारियों पर जल्द होगी कार्रवाई। करोड़ों रुपए की जमीन रिश्वत के नाम कराया बैनामा। मैनपुरी पुरी आगरा में बैनामा। बताकर के एसडीएम विवेक राजपूत ने अपने रिश्तेदारों के नाम कराया बैनामा। किसान योगेंद्र कुमार ने डीएम से की थी शिकायत। डीएम रमेश रंजन ने पूरे मामले पर बैठाई जांच। क्षेत्र के गांव रोधेनी में एक मामला सामने आया जहां एक किसान ने आरोप लगाया कि उसकी 100 बीघा जमीन और दूसरे पक्ष के जो है फेवर में करने के लिए अधिकारियों ने तत्कालीन एसडीएम, वहां के नायब तहसीलदार और लेखपाल पर यह आरोप है कि 15-15 बीघा जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम करा दी। पूरी मामले पर बातचीत करने के लिए फिरोजाबाद के जिलाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रशासन इस पर एक्शन ले रहा है, एसडीएम को हटा दिया गया है, वहां से जो तीनों दोषी के लोग हैं उनको हटा दिया गया है। जिलाधिकारी रमेश रंजन जी मेरे साथ मौजूद है। डीएम साहब, किस तरीके का पूरा मामला है, क्या आप लोगों ने संज्ञान लिया है, क्या कार्रवाई? देखिए, इसमें योगेंद्र कुमार जी हैं, रोधैनी जो गाँव है सिरसागंज में, इनके द्वारा 24 जून को एक कंप्लेन किया गया था जनता दर्शन में कि एक केस थी जो वहाँ के एसडीएम कोर्ट में चल रहा था, उसमें 7 जून को आदेश हुई थी और उसके बाद उस जमीन को 12 जून को तहसील के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों के रिश्तेदार या उनके जो परिवार के लोग थे या उनके जो नज़दीकी करीबी लोग थे उनके नाम पे बैनामा पंजीकृत हुई थी 5 दिन के बाद। तो ये उनका आरोप था। उसी आरोप के अंतर्गत जब चीज़ों में प्राइवेसी जाँच किया गया तो जाँच को निष्पक्ष रखने के लिए बेसिकली सबसे पहला काम वहाँ जिनके नाम उसमें आ रहे थे, जिनके करीबी या फैमिली या दूर के रिश्तेदार टाइप के लोगों ने जमीन की खरीद बिक्री हुई थी, तो उन लोगों के लिए उस अधिकारी जैसे एसडीएम थे और नायब तहसीलदार थे, इन दोनों को वहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया था। और प्लस पैरेलल में तुरंत ही एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी कर रही हैं और उसमें एटीएम है, एक डिप्टी कलेक्टर और डीजीसी रेवेन्यू होगा। तो उस कमेटी की रिपोर्ट समाप्त आज शाम तक मुझ पर मिल जाना चाहिए, उसके बेसिस पर रिपोर्ट के हिसाब से जो कार्यवाही करना होगा शासन के माध्यम से कराया जाएगा। सर, क्या अब तक आया है जांच में? जैसे आपने अब तक जो आप बता रहे हैं 1-2 घंटे में जांच शासन को भेज दी जाएगी, क्या सामने आ रहा है, क्या जो तीनों अधिकारियों पे आरोप लग रहे हैं कितने आरोप सही हैं और उसमें अगर आरोप हैं तो शासन को क्या लिख के जाए? अब देखिए, उस जांच के लिए कमेटी बनी है, कमेटी उच्च स्तरीय कमेटी है। इस कमेटी के माध्यम से इसमें जो बैनामे निष्पादित हुए थे, जो विटनेस थे, तहसील के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, इसके अलावा जो और भी जितने अलग अलग पहलू हैं, इन सब लोगों के एविडेंस के तरीके में जितने उनके एविडेंस थे प्लस बयान हो गए, साक्ष्य हो गए, इसके माध्यम से कमेटी अपना जांच अभी कर रही है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। उसमें जो चीज़ें निकल गए उस पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने के लिए आवश्यक कार्रवाई किया जाए। किसान ने एक आरोप और लगाया कि भाई मेरी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मैं डीएम कार्यालय पर आमरण अनशन करूंगा, आदना जैसी बातें जो चल रही हैं, क्या है सर इसमें? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान से बिल्कुल हम लोग कंटिन्यू टच में, हमारे पास भी आए थे, उनको जो जांच कमेटी वहाँ पे उनके जो बयान थे सारी चीज़ दर्ज की गई है, तो संज्ञान में उनको भी सारी कार्यवाही डीएम से चल रहा है इसमें। बिल्कुल, जिलाधिकारी फिरोजाबाद रमेश रंजन जी हमें जानकारी दे रहे थे। फिरोजाबाद के सिरसागंज के गांव रोधेनी से जो मामला सामने आया, 100 बीघा एक जमीन है जो कि न्यायालय में विचाराधीन था मामला, एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन था और उसके बाद दूसरे पक्ष के फैसला आ जाने पे कहीं ना कहीं जो आरोप है वो किसान लगातार लगा रहा है कि 100 बीघा में से 45 बीघा जो है वो बंदरबांट हो गया वहाँ के एसडीएम, तत्कालीन एसडीएम और नायब तहसीलदार और लेखपाल द्वारा। इस पर एक जाँच कमेटी फिरोजाबाद के जिलाधिकारी ने तत्काल मामले को संज्ञान लेकर बनाई और वो जाँच कमेटी कुछ ही घंटों में अपनी जाँच रिपोर्ट दे देगी। हालांकि जो एसडीएम थे उनको हटा दिया गया है, तहसीलदार को हटा दिया गया और लेखपाल पर भी कार्रवाई कर दी गई है। वीडियो के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज़, फिरोजाबाद।